यस प्लीज। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है जी, वैसे तो पहले बेसिक बता दूं, हमारे 4 चैप्टर्स हो चुके हैं मिक्सअप, किसी के 2 किसी के 3 जो नए ज्वाइन किए थे। फर्स्ट वन हमने किया था गुडविल, नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 6-7 लेक्चर उस पे थे कंफर्टेबली, पीडीएफ भी काफी थी, 7-8 पीडीएफ थी आपकी। सेम इसमें मैंने 6 पीडीएफ आपकी रखी है, क्वेश्चंस का क्वांटम एक बार के लिए क्या है कंप्लीट। थर्ड चैप्टर हमने किया था चेंज इन पीएसआर, उसके भी 4-5 लेक्चर थे, सब ऐप पे अपलोडेड है। नंबर 4 तो आपने अभी करंट टॉपिक किया फंडामेंटल्स, काफी लेंदी भी था, 8-9 8-9 तक लेक्चर्स लग गए। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, क्या नाम है जी, वैसे सीरीज है, सीरीज मीन्स रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मिलता जुलता ही आपको मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, और साथ के साथ ही कौन सा हो जाएगा डिसोल्यूशन। मतलब पूरी बुक आपकी ये वाली एक्सेप्ट एनपीओ और सिलेबस में नहीं है, मतलब फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का काफी स्पेस लेके बैठा है, 100 के करीब पेजेस हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ डिसोल्यूशन तक इस बुक के हम कवर करेंगे। 40-45 मार्क्स की वेटेज है, आधी वेटेज मान लीजिए आप, पूरे सिलेबस की आधी वेटेज ये बुक है आपकी, आप उसके काफी करीब हैं। हार्डली 3 चैप्टर्स हम लोग दूर हैं, कौन कौन सा, रिटायरमेंट आज शुरू हो जाएगा, डेथ उससे मतलब बहुत छोटा, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने एक बंदे के अकाउंट बनाने हैं जिसकी क्या हुई है डेथ, सभी के नहीं बनाने। यहाँ सभी के बनेंगे, कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स का, 2 का, जैसा भी क्वेश्चन होगा, और डिसोल्यूशन इज द लास्ट वन। क्लियर? तो स्टार्ट कीजिए फटाफट, कॉपी पे हेडिंग दे दीजिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, PDF 1 ओपन कर लीजिएगा। PDF 1 देखिए जी, ये रही आपके सामने क्लास प्लस 2 टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसके ऊपर आप पेन से लिखेंगे लेक्चर 1, साइड पे जाके लेक्चर 1 या PDF 1 जो भी आप इसको नाम देंगे, आपको बताना चाहिए हमने ये स्टार्ट किया हुआ है लेक्चर 1। लो जी, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, आधे से ज्यादा तो आपको आता है मेरी गारंटी है, थोड़ा रिवाइज कराऊंगा तो जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला काम मेरा हमेशा क्या होता है, बताया था क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं, नीचे लिखी हुई है क्लास में, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप मुझे बेटर जानते हैं, बहुत बार बना लिया आपने। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल 3 कॉलम वाला जो बनता है आपका, एंड लास्ट क्या बनेगी बैलेंस शीट। आपको सर रिक्वायरमेंट तो वही है जो आपने एडमिशन में सिखाई थी, रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट, वही है सर, बिल्कुल वही है, वही फॉर्मेट है, डिटो सेम, कुछ चेंज नहीं करना। फिर करना क्या सर, आइए पढ़िए, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट, मीनिंग समझिए। अब हमारी फर्म से देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूं, उसके अंदर ही आपको सारी बातें समझाऊंगा। जब हमारी फर्म से एक पार्टनर क्या होगा रिटायर, जब हमें छोड़ के जाएगा, मुझे एक कॉमन चीज बताइए, एडमिशन में 2 चीजें कॉमन थी बस, जब एक नया पार्टनर आपके पास आता है वो घर से क्या लेके आता है, कैपिटल, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आज ये जाएगा तो अपने पैसे लेके जाएगा। हाँ, हमारी इच्छा, हमारे पास पैसे होंगे तो हम दे पाएंगे, वरना कहेंगे जी लोन कर लो, लोन मतलब कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा दे दूंगा, वो बैलेंस शीट पे इंपैक्ट करेगा, बस इतनी सी बात है। दूसरा, जब आप आए थे एज एडमिशन, मैंने आपसे एक चीज मंगवाई थी और कैपिटल के साथ साथ गुडविल, आपकी रेपुटेशन, आपके बिजनेस के पैसे, कि आप हमारी फर्म के पार्टनर बनने जा रहे हैं हमें पैसे दो, गुडविल के पैसे लेकर आओ, 20-30-40, वो जो अलग मेथड से प्रीमियम और नॉन प्रीमियम। आज अब आप जाएंगे तो हमारी फर्म की कहीं ना कहीं गुडविल क्या होगी, इफेक्ट होगी, तो हम कौन, रिमेनिंग पार्टनर आपको पैसे वापस करेंगे, किस बात के, गुडविल के। उस चैप्टर में आपने एक रेशियो निकाली थी सैक्रीफाइसिंग, क्या नाम था, सैक्रीफाइसिंग रेशियो, यहां उल्टा निकलेगा गेनिंग रेशियो, क्या नाम है, गेनिंग। आप कहते सर नाम तो उल्टे लग रहे हैं, बिल्कुल उल्टे, वहां 2 पार्टनर थे 3 हुए तो सैक्रीफाइस हुआ शेयर बटा, अब यहां पे 3 हैं एक चला जाएगा तो उसका शेयर भी हम लोग खा लेंगे, तो कितने बन जाएंगे, गेन होगा। फॉर्मूला सैक्रीफाइसिंग का क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग का उल्टा कर दीजिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। अब वैसे तो बिल्कुल सेम चल रहा है, कुछ भी नहीं है, न्यू माइनस ओल्ड, हमें तो आता ही एलसीएम लेना, रीवैल्यूएशन सेम था, कैपिटल लिटिल बिट चेंज है, मैं साथ साथ करता जाऊंगा, सुनिएगा दोबारा। आइए, ABC पार्टनर, ध्यान सुनिएगा सभी, क्या रेशियो है जल्दी बोलो, इक्वल, सभी को लिखना चाहिए, साथ साथ लिखते रहना, पीडीएफ आपके पास ही अपनी अपनी, 1:1:1 पूरा लिखा करो इसके ऊपर, आपके पीडीएफ है पूरा लिखो, इक्वल रेशियो मीन्स 1:1:1 दिया हुआ है। अगर आप ना भी बोलते, मैं नीचे तक पढ़ता, मुझे ना पता चलता तो तभी क्या मानता, इक्वल। आगे चलिए, मैंने अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिया है, इक्वल। एसेट साइड पे आपके लिए कुछ नए वर्ड्स हैं, कुछ बच्चों के लिए ध्यान सुनना, फर्स्ट वर्ड ही इसका क्या दिया हुआ, चक्रिया जी,
गुडविल, इसको हम लोग क्या करते हैं राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड, लिख लीजिएगा राइट ऑफ, राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, एसेट है, गुडविल है, डेट है, पुरानी है, उसको क्या किया जाएगा राइट ऑफ, नॉट सेल। दो चीज होती है सर, गुडविल खरीदी जाएगी तो परचेज है, अब आगे भी पढ़ेंगे मुझसे कैश फ्लो चैप्टर में पार्ट सी बुक में, गुडविल कम होगी तो वो सेल नहीं है, वो राइट ऑफ है, गुडविल राइट ऑफ होगी। इनटेंजिबल एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज्ड मतलब राइट ऑफ करे जाते हैं इन द लाइफ ऑफ टाइम। आगे कैश स्टॉक डाटा मशीनरी बिल्डिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल एसेट्स हैं। एक लास्ट वर्ड बड़ा अजीब लगा, पर ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आपसे लास्ट टाइम पूछा था, दोबारा फिर पूछ रहा हूँ, एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ऐसे पूछ रहा हूँ, अपना आंसर बोलना, क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है, मैं दोबारा पूछने को, ये प्रॉफिट है या पी एंड एल लिखा हुआ, मैंने कुछ बोला, ये प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, ओए सारे लॉस बोल रहे हैं, मैं प्रॉफिट बोल देता हूँ, ठीक तो बोल रहा, ये लॉस है, क्योंकि दोबारा सुनिए, ये नहीं कि एसेट साइड है, मैं फिर कहूंगा आप कहेंगे एसेट साइड है सर, एसेट तो प्रॉफिट होती है, नहीं सर, एसेट्स का बैलेंस देखो, ये डेबिट कार्ड में लिख नहीं सकता, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, आई कैन यूज अवर डेबिट और क्रेडिट, तो पी एंड एल का मुझे बताइए लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट पता है ना, ऑल लॉसेस इनकम एंड प्रॉफिट गेन क्रेडिट पता है ना, और एसेट्स का बैलेंस भी क्या होता है, फिर मैं कहां जाता हूं, लॉसेस भी डेबिट, एसेट्स भी डेबिट, और डेबिट साइड कोई है नहीं, तो मैंने एसेट्स में जाके लिख दिया पी एंड एल, तो दोबारा बोलिएगा आज के बाद, ये ना कहिएगा एसेट्स है तो पी एंड एल है तो प्रॉफिट होगा, गलत, मतलब प्रॉफिट कहां होगा, फिर जल्दी बोलिएगा ऑन लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, और मैं हिंट दे सकता था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ब्रैकेट में लिख देता ये वर्ड डेबिट बैलेंस, फिर आपका डाउट क्लियर होता, डेबिट बैलेंस पी एंड एल का मीन्स लॉस, दोबारा बोलिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, ये भी कहा जाएगा, मैं अंडरलाइन कर दूं, लॉस है कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, राइट ऑफ करने सर, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, क्लियर। बच्चा कहता सर ऐसे और कौन कितने का वर्ड है, बच्चे मन में आते इकट्ठी बता दो सर बार बार क्यों करना, देखो बाकी तो ठीक है, सेंटर वाले कोई बी आर वोअर आ जाए बीच में सब ठीक है, कैश बैंक स्टॉक सब ठीक है, एक ज्यादा से ज्यादा वर्ड एक और कह सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, लिखना लिख लीजिए, मैं साइड पे देख लिखता हूं, एक एक और वर्ड है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक्चुअली दिस इज अ डेड एसेट, ये डेड एसेट होती है, जैसे मैंने फाइनल अकाउंट से एग्जांपल दी थी आपको प्लस वन की, दोबारा देता हूं, क्या आपने मान लीजिए 15,000 रुपए खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, नीचे जाके आपने मुझे बोल दिया सर ये खर्चा फॉर कितने ईयर्स का है, 3, मुझे बताइए इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगी प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है 1 साल का, आप बोल रहे हैं खर्चा कितने साल का है, 3 साल का, बात नहीं बनेगी, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, पर ईयर एक्सपेंस कितना गया, जल्दी बोलिए ध्यान से बोलिए, एग्जांपल 5,000, तो ये 5,000 तो तब आपने कहां लिख दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, तो मुझे बताइए खर्चा तो 15 हुआ था, खर्चा आपने 5 माना पी एंड एल में, बाकी 10 कहां चला गया होगा, बिल्कुल सही बैलेंस शीट में कहां, ऐसे, जबकि गलत नहीं है, आपने बना दिया अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है आपके अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं एक्चुअली में इसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड मतलब बांटना, डेफर कर दो नहीं पेमेंट्स को डेफर कर दो, जैसे मैं कहूं जी मैंने आपका 1,00,000 देना है, प्लीज थोड़ा डेफरमेंट कर दीजिए, मतलब थोड़ी किस्तें बना दीजिए थोड़ी सी 10-15 करके, सेम यहां पे मैं क्या 10 को तू अपनी बैलेंस शीट में क्या बना रहा है, जल्दी बोलो क्या एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपकी एसेट है, कभी भी नहीं, वो तो इसलिए बन गया, प्रीपेड की एग्जांपल ले लीजिए, आप 3 साल का दे रही हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल कितने साल का बनता है, 1 साल का, तो पॉसिबल ही नहीं, मैं 3 साल ली तो क्वेश्चन ही मेरा गलत हो जाएगा, तो 10,000 को मैंने क्या बना दिया फॉर द टाइम बीइंग एसेट, क्या वो एक्चुअल एसेट है, नहीं, तभी उसका नाम क्या रखा गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सस्पेंस मींस क्या पता है एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट, और सुनिए आपने 1,00,000 रुपए की एड कर दी पूरी पंचकुला पैम्फलेट्स होर्डिंग्स बोर्ड जो लगवा सकते आपने लगवा दिए, क्या गारंटी आपको रिजल्ट आएगा, डेट एक्सपेंडिचर सस्पेंस, सस्पेंस मींस मे और मे नॉट बी, हमें पता ही नहीं, खर्चा कर दिया एसेट बना के बैठी हो इसलिए कि शायद बेनिफिट होगा, हम शायद पे थोड़ा चलेंगे, तो इसको बोलते हैं डेट एसेट, पड़ी होगी एसेट साइड, तो इसका कोई रोल नहीं है, ये भी कैपिटल अकाउंट की कहां जाता है जी डेबिट साइड, मतलब दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वर्ड मेरी तरफ से, जो पेपर में 3 वर्ड्स हैं द्वारा बोल रहा हूं, कैपिटल की कहां जाएंगे डेबिट साइड, गलती नहीं चाहिए अपने को, पूरा साल यही बातें सीखनी है हमने,
गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, अ थर्ड वन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. इसके अलावा आपके पास कभी भी रिटायरमेंट में, कभी भी, मैं आपको पूरे एंड तक गारंटी दे सकता हूँ, बुक में हंड्रेड प्लस क्वेश्चन है, आपको कहीं मिल जाए कि सर ये वर्ड तो बताया नहीं, आप ढूंढ के दे दीजिएगा. इसके अलावा कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड राइट ऑफ हो रहा हूँ कि देखो सर ये भी डेबिट साइड जा रहा है, वो कोई और पॉइंट हो सकता है, जैसे कोई पार्टनर एसेट उठा के ले जाए वो डिफरेंट चीज है, वरना राइट ऑफ में गुडविल, पी एंड एल और कौन सा एडवर्टीजमेंट लाइबिलिटी चढ़ाइए. कैपिटल है तीनों की मैं तंग नहीं करूंगा, आप मुझसे बेटर जानती हैं, थोड़ा सा तो फंडामेंटल आप भी सिखाए, तो ये सीधा कहां जाना चाहिए खुद बताइए. कैपिटल अकाउंट इसमें हमारा क्या नहीं है, आप लोगों की कैपिटल इसमें मेरा कोई लिंक है, सिंपल क्रेडिटर्स में मेरा कोई लिंक नहीं, लोगों का पैसा देना है, पहले भी देना था आज भी देना है, ये फर्क है. क्या है जल्दी बोलिएगा, मतलब बताया था पास्ट सेविंग्स, मैं इसको क्या नाम देता हूं, पास्ट, एक्चुअली पूरा नाम है पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, पिछले सालों के. अब कितने के मुझे क्या पता, आपकी फर्म कितनी पुरानी है, जो प्रॉफिट आपने नहीं बांटे आपने बचा के रखे अपने पास. बचा के हमने क्यों बचा के रखे, फॉर अ फ्यूचर लॉसेस, फॉर अ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, हमें क्या पता कल को कोई लाभ भी करते सेविंग्स, यार कोई दिक्कत आ जाए एकदम से पैसे अरेंज हो जाए, तो वो है रिजर्व फंड. अब कॉमन सेंस है, एक पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा है उसकी भी सेविंग इसके अंदर होगी, क्या वो अपनी सेविंग आपके पास छोड़ के जाएगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कहेगा मुझे मेरा शेयर दो, यही सेम डेथ में है. पर फर्क इतना है, रिटायरमेंट इज ऑन पर्टिकुलर डेट, जैसे आप सुनते हैं किसी की रिटायरमेंट पार्टी तो सुनी होगी मोस्टली, मतलब वही रिटायरमेंट पार्टी है उसकी, रोटी खाने जाना है रिटायरमेंट पार्टी है उसकी, तो एक प्रॉपर डेट को होती है जब आपने ज्वाइन किया, या फिर 31 मार्च, चलो तो मैं सरकारी एग्जांपल ले गया, अब मेरी एग्जांपल में आ जाइए, प्रॉपर बैलेंस शीट बनती है, तो मैंने कंडीशन रखी, अगर किसी पार्टनर ने आना है इट्स ऑन 1st अप्रैल, जैसे आपके स्कूल में होता है, अगर किसी पार्टनर ने जाना है इट्स ऑन 31 मार्च. ये नहीं कि मन मर्जी के मालिक, जब मर्जी आ जाओ, आपके आने जाने से हमारा सिस्टम खराब होता है. बट थोड़ी सी दिक्कत डेथ में क्या है, सुनिएगा, क्या मैं किसी को कह सकता हूँ अगर किसी ने मरना है तो इस दिन मरना है, ये तो गलत हो जाएगा ना, अगर क्या लिख रहा है वो तो पागल हो गया, ये देखो भी मेरे हिसाब से बिगड़ता, मरना है तो इस दिन मरो भी, देखो अगर मरना है तो 1 अप्रैल को मरो या 31 मार्च को मरो, पहले ना मरो बीच बीच में, अलग कहता है तो पागल हो गया क्या सर, ये किसी को पता है कब मरना है, तो वहां क्वेश्चन का फर्क क्या है, वो क्वेश्चन बनेगा फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. मान लीजिए कहेगा पर्सन की डेथ हो गई 1st मई, आपको अभी तो 31 मार्च खत्म हुई थी, अभी अप्रैल का महीना ही चला और क्या पता पार्टनर की डेथ हो गई, तो क्वेश्चन कितने महीने का बनेगा, 1 महीने का. पर्सन की डेथ हो गई 1st अक्टूबर, आप कहेंगी 1 अप्रैल से 1st अक्टूबर कितने महीने हमारे साथ काम किया, 6, तो 6 महीने का, मतलब ऑल कैलकुलेशंस फॉर 6 मंथ्स, कहीं 2 महीने, कभी डेज में भी जाएंगे, मतलब वो डेथ चैप्टर, डिटो सेम है दोनों, रिटायरमेंट और डेथ दोनों में गुडविल का ट्रीटमेंट भी क्या है, सेम, जो ट्रीटमेंट यहाँ पे है वही ट्रीटमेंट वहां पे है, बस फर्क ये है ये पूरे साल का क्वेश्चन है, या कोई परिणाम वगैरह का चक्कर नहीं पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, कभी 3 महीने बाद डेथ हो गई, कभी 6 बाद, कभी 4 बाद, कभी 2 बाद, कभी दिन बाद, दैट्स अ पॉइंट. ठीक है, आ जाइएगा सी रिटायर, मेन क्वेश्चन की पार्टी, कौन छोड़ के चला गया हमें, सी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ शर्तें तो उसने भी मनाई होंगी, क्या शर्तें, ध्यान से सुनिएगा, गुडविल ऑफ द फर्म, और मैं स्पेल ठीक कर लीजिए FIRM, और यहाँ पे हमेशा इस चैप्टर में गुडविल फर्म की ही दी होगी, फर्म मतलब 3 पार्टनर्स की, ए बी और सी, कितनी है चेक करिए, सबको पढ़ना आता है, 36,000, मुझे बताइए रिटायर कौन हो रहा है, सी, सी का शेयर क्या है 1/3, कोई ज्यादा बात ही नहीं थी, तो 36,000 में से 1/3, तो अभी और भी सीख लेंगे, 36,000 का 1/3, मैं ऐसी बोल रहा हूँ हमेशा ऐसी करूंगा, कितना बनता है 12,000 रुपए हम पे करेंगे किसको, सी को, और कौन पे करेगा, ए और बी, बस वहां उल्टा था, एडमिशन में सी गुडविल लेकर आया था, किसने बांटी थी, ए और बी ने, आज सी को गुडविल देंगे, देगा कौन, ए और बी, फिर बात आई जी कौन सी रेशो में देंगे, हमें क्या पता, आप कोई आंसर नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे सर गेनिंग रेशो, कौन सी रेशो, गेनिंग, मुझे नहीं पता ना, चलो मेरा क्वेश्चन तो आसान है, ये पहले भी इक्वल आज भी इक्वल, तो गेनिंग भी इक्वल, तो मैं आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट वैसे नॉलेज क्रिएट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आंसर क्या बोलेंगी, जीआर, जीआर मतलब गेनिंग रेशियो, अभी लिखवाऊंगा सब कुछ, उसका फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, आपको पता है इक्वल है, न्यू मुझे भी मैं पढ़ता हूँ आगे, पॉइंट नंबर 2 से लेके 6 तक, पॉइंट नंबर 2 से लेके 6 तक, दीज ऑल पॉइंट्स, मैं ऐसे ही बॉक्स कर देता हूं, ये सब है जी अपने रीवैल्यूएशन,
रिवैल्यूएशन मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हर साल 31 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यू। क्या अब कॉमन सेंस है 31 मार्च को हर साल अपनी खरीदी हुई एसेट्स को जब रिवैल्यू करेंगी, कभी कोई एसेट्स का रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, किसी एसेट का रेट गिरा हुआ, किसी लाइबिलिटीज का रेट चेंज मिलेगा, किसी लाइबिलिटी का रेट कम मिलेगा, उस प्लस माइनस से जो प्रॉफिट लॉस होगा दैट्स कॉल्ड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस। दैट पूछ लेता है यार क्या ये रिवैल्यूएशन, और पूछ लेता है कोई क्या ये रिवैल्यूएशन रियल है, नहीं रिवैल्यूएशन इज अ फेक। फेक मतलब हम कोई एक्चुअल में बेच नहीं रहे, जस्ट एक रिवैल्यू करवा रहे। जैसे मैं कहूं जी मेरा घर है, हर साल मुझे हैबिट है पूछने की, मैं अब इसका क्या रेट होगा, तो ना मैं पूछने का अब इसका क्या रेट हो गया, कहते 50 लाख। मैं अच्छा जी अगले साल आया मैं इस घर का क्या रेट हो गया, कहते 55 लाख। मैं वैसे खुश हुई जा रहा हूँ कि 5 लाख रुपए बढ़ गए, बेचे थोड़े मैंने, अगर बेचूंगा तो पैसे आएंगे, पैसे तो नहीं आए पर वैसी कुछ हो रही है कि इस चीज का रेट कितना हो गया 55 लाख। अगला साल आया मैंने फिर पूछा मैं इस प्रॉपर्टी का क्या रेट हो गया, कहते 60 लाख। मैं और बढ़िया हो गया, क्या मेरे पास एक्चुअली कोई पैसा आया, नहीं। वो तो उस दिन आएगा जिस दिन एसेट क्या हो जाएगी, रियलाइज्ड। क्या वर्ड है, रियलाइज्ड, बिक जाएगी। अभी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं आया। आगे चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। मैं 2 से लेके 6 तक वैसे आपको ऑरली पढ़ाऊं थोड़ा सा। स्टॉक रिवैल्यूड पढ़ो कितना लिखा हुआ है, 48। ऊपर चेक करो इसका स्टॉक कितना लिखा हुआ है, 40। अब आप कह रही थी स्टॉक 40 है, मैं कह रहा हूं 48 हो गया। कितना स्टॉक बढ़ गया, 8 आपका प्रॉफिट है। अब एसेट्स बढ़ेंगी तो कॉमन सेंस है आपका प्रॉफिट होगा, एसेट्स गिरेंगी तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। लाइबिलिटीज गिरेंगी तो प्रॉफिट होगा, लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो आपका लॉस होगा। नेक्स्ट पढ़िएगा, देयर वर बैड डेट्स ऑफ रुपीज, कितने जल्दी बोलेगा, इससे मैं सिंपल वर्ड नहीं बोल सकता आई थिंक सो। बैड डेट्स तो आपको सुनते ही याद आ गया, पैसे मर गए भाई, पैसे मर गए तो अपना क्या हुआ, नुकसान। नुकसान क्या होते हैं, डेबिट। तो डेबिट साइड लिखेंगे, रिवैल्यूएशन की बना के दिखाऊंगा, 2 bad debts, 5। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी, यार पढ़ते ही मजा आ रहा है, क्या चीज, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू डाउन हुई, वैल्यू डाउन जाने से, एसेट की वैल्यू डाउन जाने से मेरा क्या होगा, नुकसान, लॉस, डेबिट। अमाउंट बाद में यूज लेंगे। बिल्डिंग रिवैल्यूड कितनी होगी, पढ़िए 1 लाख। ऊपर कितनी है, 80, कितनी बढ़ गई, 20,000, तो प्रॉफिट हो गया, बढ़िया हो गया। लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ पेमेंट 1000 व्हिच इज नो लॉन्गर पेबल। क्रेडिटर्स के अंदर कोई होगा ऐसा पर्सन राम श्याम जिसका हमने कितना पैसा देना होगा, 1000, अभी वो देने की जरूरत नहीं है, तो फायदा हो गया सर। क्रेडिटर्स का पैसा देना इज अ लाइबिलिटी, आपको लाइबिलिटी नहीं देना पड़ेगा तो आपका फायदा हो गया। एंड द लास्ट वन, ये पक्का लिखा होगा पेपर में, ना लिखा हुआ तो मैं अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग चेंज करता। क्या लिखा पढ़ो, सी वॉज टू बी पेड इन कैश। आप कहते जी सी को जाते हुए रिटायरमेंट है, जाएगा, उसको 16,000 रुपए कैश दे दियो। मैं क्या, अच्छा जी मुझे क्या पता सी का कितना बैलेंस आएगा, शायद सी का मान लीजिए 86 बैलेंस है शायद, तो 86 में से 16,000 उसको, जैसे आप दुकानदार में करते हैं, उसको कैश दे दीजिए। एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोग, कि भाई जरूरी थोड़ा तेरे पैसे अभी दे दें, तेरे पैसे दे, मान लीजिए वो बड़ा पार्टनर रिटायर हो जाए करोड़ों रुपए वाला, उसके करोड़ रुपए देने के चक्कर में हम रोड पे आ जाए, तो जरूरी थोड़ा कि अभी देने हैं। इतना पार्टनर है, रिलायबल आप पे करेगा, विश्वास करेगा, अभी देख भाई तो भी सोना ले ले, बाकी तेरा लोन कर देते हैं। लोन मतलब मुकर नहीं रहा, देंगे बट अभी के लिए नहीं, अभी के लिए रुक जा, साल में किस्ते बना लेंगे। और सिलेबस में चीरता दूं आपको, लोन अकाउंट भी सिलेबस में है, लोन अकाउंट बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, लोन अकाउंट भी हमारे सिलेबस में है विद इंटरेस्ट। आपको वो पेमेंट शेड्यूल बना के दिखाना पड़ेगा, अभी के लिए हम वो नहीं करेंगे। नहीं नहीं वो पी एंड कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना टेक्निकल नहीं है आपको, जस्ट ये लोन अकाउंट बना के, और ये रिटायरमेंट में भी है और ये डेथ में भी है, पहले नहीं था 2 साल लगातार, क्योंकि उस सिलेबस से कुछ कटिंग कुटिंग कर दी थी। अब इन्होंने जब चैप्टर ही 3 हटा दिए बड़े बड़े, उसकी जगह इन चीजों को क्या कर दिया, कंप्लीट एडमिशन कंप्लीट कर दिया, रिटायरमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया लोन के साथ, और भी वैरायटीज हैं, मिनिमम बैंक बैलेंस, टोटल कैपिटल, मतलब वैरायटी है इसके अंदर बहुत ज्यादा, सब अब कवर्ड है। मतलब समझिएगा जो बुक के अंदर पेज दे दिया रिटायरमेंट का ऑल आएगा। पहले तो सिर्फ हम पहले 40 रजिस्ट्रेशन कराई मैंने अभी टर्म 2 के लिए, तो अब तो बस समझो एंड तक जाना पड़ेगा, मे बी 80 तक जाना पड़े, अब रिटायरमेंट पूरा कंप्लीट है, डेथ ऑफ अ पार्टनर पूरा कंप्लीट है, रिजोल्यूशन पूरा कंप्लीट है। हाँ जो कट गए वो पूरे कट गए, अब भेदभाव नहीं किया, इसी चैप्टर में ये काट दो, आधा रह गया ना वो काम नहीं किया, चैप्टर ही पूरे काट दिए। कौन कौन से होता है आपको मैंने, एनपीओ पहले चैप्टर इसका पूरा कट गया, बोल जाइए उसको। दूसरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वैसे वो तो चैप्टर ऐसा बचा था 3 साल से कट रहा है, 3 साल से वो चैप्टर की कटिंग हो रही है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पार्ट बी बुक का लास्ट चैप्टर, और एक है पार्ट सी बुक का फर्स्ट चैप्टर, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स।
तीन चैप्टर कंप्लीट आपके कटिंग होंगे। अब देखते हैं नया सैंपल पर क्या आता है, कोई वेटेज का फर्क पड़ेगा। कोई लास्ट बुक 20 नंबर की थी, उसकी वजह उसकी जगह दो रेशियोज बढ़ गई, पहले 15 रेशियोज थी, दो और आ गई 17 हो गई, बस इतना फर्क आया। क्लियर हो गया? लो जी शुरू करते हैं, रिक्वायरमेंट आपके सामने बैठी है। पहला काम आप मेरे साथ वैसे चेक करना, कहीं न्यू रेशियो दी है, ओल्ड तो दी थी, फिर आप पेपर में एक और मजेदार चीज सुनिए मुझसे, जहां ओल्ड रेशियो नहीं दी होगी, न्यू रेशियो नहीं दी होगी, तो आप ओल्ड में से ही जो पार्टनर चला गया उसके शेयर पे क्या कर देंगे, क्रॉस। तो न्यू रेशियो भी क्या आ जाएगी, ए और बी 1:1, मतलब आप कहेंगे पहले भी इक्वल, मेरी बात मानना है, दूसरी भी इक्वल, गेनिंग भी इक्वल। मैं प्रूफ भी कर दूंगा, लिखिए कॉपी पे, लिखिए फटाफट लिखिएगा, हेडिंग दीजिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। देखिए जी आपने लिखा मेरे सामने, मुझे बोलिएगा ओल्ड रेशियो 1:1, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, न्यू रेशियो क्या बोला था 1:1, ये आप साथ में लिख सकते हैं किसकी थी, ये भी याद है ए बी और सी की, और ये किसकी है, सिर्फ ए और बी की, बिना कहे मैंने सी का शेयर छोड़ दिया, बस पेपर में भी ऐसी करना है अगर कुछ ना दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आप लिखेंगे गेनिंग रेशियो, थोड़ा प्रॉपर लिखिए आपको न्यू रेशियो, थोड़ा प्रॉपर लिखिए माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सॉल्व कीजिए a=b=, ए का न्यू गलती मत करना 1/2, माइनस ओल्ड क्या है 1/3, आराम से एलसीएम लीजिए अपना अपना, बी का भी 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 6, सही कह रहे हैं, 2 के टेबल पे 6, 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1/6, आराम से सॉल्व कीजिए, चेक कराना है, मैंने आपको वैसे भी आंसर पता था इक्वली आएगा, ठीक है। बी का बताइए 6 हो गया, यहाँ पे अगेन सेम 2 कितना जाएगा 1/6, तो देखिए सो गेनिंग रेशियो इज 1:1, थोड़ा लिखिएगा गेनिंग रेशियो इज 1:1, किसी को डाउट बताइए जी, आगे धीरे धीरे फर्क डालेंगे क्वेश्चन में, अभी तो बिल्कुल प्लेन लेके चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरे साथ नहीं, फटाफट सभी के लिए सब बराबर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा फास्ट चलेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट एज ए टी शेप, दिस साइड आप क्या लिखते हैं आपको पता है, पर्टिकुलर रुपीज या डेबिट क्रेडिट, ध्यान से नहीं जल्दी, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको आता है, ऐसी खास बात नहीं इसके अंदर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस, लिख लिया, जल्दी बढ़िएगा, पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट कीजिए मेरे साथ थोड़ा फास्ट, पॉइंट नंबर 2 स्टॉक रीवैल्यूड कितने का हुआ था, जल्दी बताइएगा 48, ऊपर स्टॉक कितने का पड़ा, जल्दी बोलेगा 40, कितने का चेंज आया था 8 का, और आपका स्टॉक इंक्रीज किया था तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 8000, आपको बताया था जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, दोबारा लिख दूं, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा अगर आपको प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट कब होंगे, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, लाइबिलिटीज की वैल्यू गिरेगी, और डेबिट साइड पे क्या आएंगे, लॉसेस, जब एसेट्स की वैल्यू डाउन जाएगी लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वर आर बैड डेट्स, सुनते ही पता चल गया सर बैड डेट्स है तो मेरा नुकसान है, तो टू बैड डेट्स कितने रुपए है, ध्यान से पढ़िएगा, इट्स अ 5000, गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को, चेक करिएगा 5000 रुपए, डन सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, जिसने जो कर लिया, मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 20, मशीनरी है 60 का 20% सब बता सकते हैं जी, 12000, तो टू डेप शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ऑन मशीनरी, टू डेप ऑन मशीनरी कितना 12000, आराम से लिखिए आपको आता है सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग वैल्यू 1 लाख, ऊपर बिल्डिंग कितनी थी चेक करिएगा, बिल्डिंग बढ़नी चाहिए, बाय बिल्डिंग कितना आ जाएगा 20000, 80000 की थी 1 लाख हो गई, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स 1000 रुपए के पे करने की जरूरत नहीं, तो बाय क्रेडिटर्स साफ साफ करिएगा 1000 रुपए, डन सर, बाय क्रेडिटर्स 1000 रुपए। तो 3-4 लाइनें छोड़ के जैसे मैं करता हूं बना हुआ मेरा, टोटल करिएगा यहाँ पे भी 29, आराम से लिखिएगा, और डेबिट साइड पे आप देख पा रही हैं कोई स्पेस नहीं छोड़नी, कितना सोचे कि ऊपर से कुछ छोड़ देंगे, यहां नाम अंदर की तरफ जैसे मैं लिखता हूं ए बी और क्या सी, ऐसे दिखा दो प्रॉपर ए बी और सी, 29 माइनस 17 करता हूं तो इतना सबको पता है यहाँ पे कितना आएगा 12, और रेशियो पार्टनर्स के बीच में विश्वास क्या चल रही है इक्वल, तो मुझे लगता है कहने की जरूरत है नहीं, 12000 को तीनों में बांट देंगे तो कितना कितना 4000 और कितना 4000, आराम से करिए साफ सुथरा प्रॉपरली अंदर की तरफ शो करके जैसे किया जा रहा है वैसे ही 4-4-4 करके 12 रेशियो लिखना, इक्वल लिख लो मर्जी आपकी,
कोई डाउट यहाँ तक? डन, नेक्स्ट आ जाइए कैपिटल अकाउंट, मैं तो यहीं पे बनाना शुरू कर देता हूँ। हाँ जी रेशो दी थी टॉपिक इक्वल ओल्ड रेशो, सब कुछ ओल्ड रेशो में पार्ट, जो पुराने पार्टनर्स हैं जो भी प्रॉफिट लॉस होगा पुराने पार्टनर्स का ही, न्यू रेशो के रोल में प्रॉफिट भी आएगा जी, ये रहा कैपिटल में भी जाएगा, कोई एसेट लायबिलिटीज अप डाउन करने से प्रॉफिट तो आया ना, हाँ वो पार्टनर्स के बीच में जाएगा। एक्टिव एंट्री बनाइए जी, कैपिटल अकाउंट ध्यान से जैसे हम नॉर्मल बनाती हैं वही है, बस कॉलम ध्यान रखिएगा ए बी सी हैं पर्टिकुलर्स, ए बी सी पर्टिकुलर्स, देख लीजिए पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी साफ साफ बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, अगला क्वेश्चन आप मेरे से पहले कर देंगे, कहने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो एक बार कि फर्क क्या है छोटा सा रिटायरमेंट में, बाकी सब सेम। पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी रिवैल्यूएशन बन गया, गेनिंग रेशो आपकी तैयार बैठी है तो पहले शुरू हो जाना, गेनिंग रेशो रिवैल्यूएशन तो आप खुद ही कर देना, ठीक है। लो जी कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग मैंने आपको हमेशा सिखाई है बाय बैलेंस बीडी, देखो कुछ ना चीजें बेसिक होती है, ये पक्का स्ट्रॉन्ग रखा करो बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ब्रॉड डाउन इज द ओपनिंग बैलेंस, वो बैलेंस शीट में दिया हुआ चेक करो 90 80 60 लाइन वाइज, 90,000 80,000 और लास्ट वन क्या है 60,000, और मैं गड़बड़ नहीं करूंगा लाइन वाइज चलूंगा, लाइबिलिटी साइड पे चेक करो कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स का कोई रोल नहीं जस्ट लाइबिलिटी, और साथ में कौन बैठा है रिजर्व फंड, इट्स योर सेविंग, लिखिए बाय रिजर्व, ये बांटने हैं इसका हमने उसमें बाय रिजर्व कितना दिया चेक करो 24, तीनों पार्टनर में तीनों इक्वल हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो 8,000 each, बच्चे का डाउट खत्म कर दूं मैं, सर गेनिंग रेशियो कहां काम आएगी, सिर्फ गुडविल के लिए जैसे सेक्रीफाइसिंग काम आई थी, न्यू रेशियो का कोई काम नहीं, भूल जाओ ये सोची जाओ, सब कुछ ओल्ड, ओल्ड बोल रहा हूं तो तीनों में, ओल्ड बोल रहा हूं तो तीनों में। एसेट साइड पे आ जाइए, एसेट साइड पे दो वर्ड दिख रहे हैं मुझे, एक गुडविल राइट ऑफ करनी है, एक पीएनएल राइट ऑफ करना है, दोनों अभी करवाइए, देखिए टू गुडविल को चाहिए मैंने शॉर्ट लिख लिया पर राइट ऑफ वर्ड साथ में जरूर आए, W/ODF लिखिए राइट ऑफ, याद रही कितना गुडविल था जी 18,000 को इक्वली राइट ऑफ करेंगे तो 6,000 ईच, आराम से करिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पूरा प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है 6,000 ईच, उसी के नीचे क्या लिखेंगे टू पी एंड एल अकाउंट, बुक्स में कितना दिया हुआ चेक करके बताइए मुझे, 6,000 है जी, सब में कितना आ जाएगा 2,000 ईच, 2,000 ईच जो काम है, इससे पहले से क्या होता है बच्चा कहता है मिक्सअप नहीं कर सकते, कर सकते हैं फिर आप भूल जाएंगे, तो बच्चा बाद में कहता है तो पीएनएल भूल गया, मैं गुडविल भूल गया, आप करते ही क्यों ऐसा काम, अब लाइन वाइज चलिए बैलेंस शीट से, कोई आइटम रहेगी नहीं आपकी, अब मैं दिखा रहा हूं आपको देखो कौन सी जी, नहीं दजे ये अलग चीज है, वो गुडविल ओल्ड है या न्यू गुडविल है जो अपने टाइम पे रिवैल्यूएशन टाइम करवाई किसको जाते वक्त देने के लिए, उसके कोई लिंक नहीं है, उसे कोई लिंक नहीं। अब नीचे आ जाइए, ऊपर का डब्बा सारा क्लियर, नीचे आके मैं देख रहा हूं एक ट्रीटमेंट गुडविल का है, बाद में करता हूँ कोई तो समझाने वाला है, और एक लास्ट पॉइंट है कि 16,000 कैश को भी जाते हुए करना पड़ेगा, अब जो बैलेंस तो कर लें, इन एसेट्स का एक रिजल्ट आया था, क्या आया था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वो भी कैपिटल अकाउंट की कहां जाना चाहिए जल्दी बोलेगा, क्रेडिट साइड प्रॉफिट है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना था जशन 4,444 हो गया। अब मुझसे सुनिए एंट्री, दो तीन लाइन छोड़ लीजिएगा उसकी जहां आपका चल रहा है उसकी तीन चार लाइन छोड़ के लिखिएगा जर्नल एंट्री और गुडविल, जर्नल एंट्री क्या है गुडविल की जो आप रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हो, पक्की याद कर लीजिएगा, वैसे मैं सिंपल एंग्री लिख रहा हूं जो बुक्स चलती हैं, फिर अपनी एंट्री लिखूंगा, लिखिएगा गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, डेथ वाले चैप्टर में बस हम यहां पे क्या बोल देते हैं टू डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हुई, एंट्री वही है गेनिंग पार्टनर, ये बुक की लैंग्वेज है जो हम बोल रहे हैं गेनिंग पार्टनर, पूछ ले आपसे गुडविल की एंट्री क्या है एट द केस ऑफ रिटायरमेंट, आप एबीसी नहीं बोलेंगे, मैंने कब कहा एबीसी है, तो अब ये एंट्री बोलेंगे, ये पूछ लेता वन मार्क एंट्री आती है जी रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की एंट्री करो, आप कहते हैं जी मान लीजिए एबीसी, क्यों भाई क्यों मान लीजिए किसने कहा, जैसे हम प्लस वन पूछते थे बैड डेट्स की एंट्री, तो बच्चे कहते थे बैड डेट्स टू राम, मैं कह राम ने कब पैसे मारे हुए तक कैसे बैड डेट्स टू राम, अब ये बैड डेट्स टू बेटर अपने आप बनाइए, मगर डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, क्या डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, नहीं मैंने कब कहा फर्नीचर बनाओ, तो डेप्रिसिएशन टू
फिक्स्ड एसेट, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं। गेनिंग पार्टनर टू क्या रिटायरिंग। अब आ जाओ अपने एग्जांपल में, गेनिंग कौन कौन था अपने एग्जांपल में, जल्दी बोलो। ए और बी, तो लिखिए एंट्री, ए इज कैपिटल डेबिट, तभी मैंने गेनिंग बोल दिया, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। जिसको गुडविल देनी है, फंडामेंटल भी क्लियर कर लिया था, जिसको देने हैं वो क्रेडिट होगा, जिससे देने हैं वो डेबिट होगा। अब सी को देने कितने थे मुझे चेक करके बताइए, शायद लिखा हुआ है 12, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ नीचे जाके, सी शेयर इक्वल्स टू जशन जोत कितने थी फर्म की गुडविल 1/3, तो उसका शेयर कितना हो गया 12। अब 12,000 सी को देंगे कौन, ए और बी, और ए और बी की गेनिंग भी क्या आई थी, चलो तो आनी थी इक्वल, तो कितने कितने देंगे जल्दी बोलेगा, 6-6, बस यही एंट्री का मेन है और इसकी पोस्टिंग मेन है। अब ये सीख कर सारा काम हो गया और इसके बाद कोई मुश्किल नहीं है, बस यही बच्चे को बैंक क्यों तंग करती है। अब अगर तंग भी किया सर मुझे लगा नहीं, जाते ही गुडविल का शेयर निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, एंट्री पास करो। और बुक बुक यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स की जगह एक वर्ड यूज करती है, बुक में देखेंगे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, कॉन्टिन्यू मतलब जो आगे कॉन्टिन्यू कर रहे हैं ए और बी, बट मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है, क्यों, कॉन्टिन्यू तो मान लीजिए दोनों कर रहे होंगे, अगर मान लीजिए गेन सिर्फ एक कर रहा हुआ, रिटायरिंग पार्टनर का सारा शेयर मान लीजिए मैंने ले लिया, तो सारा गेन किसने करा, मैंने, तो गुडविल कौन देगा, सिर्फ मैं, फिर क्रैमिंग हो जाएगी, आप कंटिन्यू में फंस जाएंगी, तो मैंने वर्ड क्या यूज किया, गेनिंग पार्टनर, बात ही खत्म। आप कंटिन्यू बोल दीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू पार्टनर स्लैश देके गेनिंग पार्टनर, ये क्या मतलब है। अब कंटिन्यू तो ए और बी भी हो सकते हैं, गेनिंग शायद ए हो सकता है, तो हमने एक वर्ड ही क्या बोला, एक्चुअली कंसेप्ट इज दैट जो गेन करेगा वो गुडविल देगा, सिंपल। हमने कहा जी ए और बी दोनों ने गेन किया, इक्वली गेन किया, तो सी को 12 देना है, कौन देंगे, ए और बी इक्वली कितने, 6-6, दैट्स इट। अब इस एंट्री को आप पोस्ट करके दिखाइए कैसे करेंगे, सोचो आपका क्या मन करता है, लेजर में पोस्ट करना है इसको, कैसे करेंगे, ऊपर कैपिटल में बना पड़ा है, ए डेबिट है, बी डेबिट है, टू सी है, सी क्रेडिट है, तो उसकी क्रेडिट शीट कैसे लिखेंगे, देखो मैं बोल रहा हूँ, बाय ए आराम से लिखो, बाय बी, गड़बड़ नहीं चाहिए, सी के कॉलम में जाना है, कहीं किसी और चले जाओ, देखिए बाय ए बाय बी, कुछ बच्चे कहते हैं सर इकट्ठे नहीं कर सकते बाय ए एंड बी, हम कर देते थे पहले, फिर अब टीचर्स मना करने लग गए, नंबर काटते हैं उसका फायदा नहीं, मैं तो पहले करता था बाय ए एंड बी इकट्ठे 12,000, नहीं वो कहते अलग अलग करो, तो अलग अलग कर लो, बाय ए 6,000 बाय बी 6,000, अब गलत ना करना, बाय ए लिख के बच्चे ए में लिख रहे होते हैं यार, लहजे समझो, बाय ए लिख के सी में लिखना है, बाय बी लिख के सी में, अब इधर क्या लिखोगे, टू सी, ए में कितना 6, बी में कितना 6, ये थी मेन एंट्री, ये थी मेन एंट्री, कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइए। देन लास्ट एंट्री पेंडिंग है, अभी करवाऊंगा, मेरा हमेशा पैटर्न होता है जब आप इसको क्लोजिंग करने लगेंगे, पहले उस बंदे का अकाउंट क्लोज करो जो क्या हो रहा है रिटायर, फिर बाकी को तो सीडी करना है, आराम से हो जाएगा। लो टोटल आप एक बार मुझे रफली, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ थोड़ा सा, सिर्फ सी का मुझे रफली एक बार टोटल करके बताइए मुझे, सी का क्या सिस्टम है, सी का क्रेडिट साइड का, सी का सभी जोड़िएगा, सभी 60 + 8 = 68 + 4 = 72 + 12 = 84, गुड सही कह रहे हैं जी, लिखिएगा 84, और कुछ नहीं है कि तो फिर कही जाओ 84, तो मैं यहाँ पे भी टोटल लगा दूं एक बार 84 टोटल लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले सी का करेंगे जो रिटायर होगा, कल को बी होगा तो बी का करेंगे, ए होगा तो ए का करेंगे, 84 लगा दिया, आराम से मुझे टोटल चेक करो डेबिट शीट का क्या है, 6 और 2 = 8 रफली पूछ रहा हूँ, अगर 84 में से जल्दी बोलना, बड़ा राउंड ऑफ आंसर बनाया मैंने, 84 में से अगर 8 माइनस कर दूं तो कितना बनता है, 76, सही आ रहा है, मेरे लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ो, सी वाज टू बी पेड 16,000 इन कैश, अब 76 में से उसको 16,000 कैश दे दो कैश में, बाकी कितना बचेगा 60, उसका क्या कर दो लोन, अब करना तो डेबिट साइड ही है, क्वेश्चन में चेक करो आपके पास कैश है बैंक है, कैश है तो लिखेंगे क्या, सुन रही बात, टू कैश सी में कितने पैसे देने थे 16,000, ये नया ट्रीटमेंट है बस, और दूसरा क्या लिखोगे, टू लोन कितने का किया 60, खत्म, दैट्स इट, गुड, इतना सा था बस, इतना सा था, बाकी तो सीडी वीडियो हो जाएगा जी, बाकी कुछ नहीं, ये बेचारा खत्म हो गया, ये सी का कॉलम डेट। मैं दोबारा आपको मैं इसी क्वेश्चन पे लेके आऊंगा सिर्फ दो चीज चेक कराने के लिए, एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट, हाउ टू पोस्ट एंट्री, नहीं हाउ टू पोस्ट,
अवगत कर देंगे। दूसरा, पहले जो रिटायर हो रहा है उसको सेटल कीजिए, क्या उसका सिस्टम है, करा क्या आपने क्रेडिट शेड का टोटल लगाया, ऑलवेज क्रेडिट शेड ही बड़ी होगी, डेबिट माइनस करेंगे कुछ बैलेंस आ रहा होगा। मैंने 76 कहीं नहीं लिखा, वो तो मेरे मन की इच्छा थी, 76 में मुझे पता चला 16 आपने क्या देना है कैश, तो 2 कैश 16 एंट्री, बाकी 2 लोन कितना 60, अकाउंट तो बंद करना ही था। अब बाकियों का सीडी बीडी आप कर लीजिए फटाफट, बोलिए यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी ए और बी का, ले अभी बी का टोटल बोल, पहले बी का क्रेडिट शेड का 80 + 8 = 4 92, जल्दी बोलो 80 + 8 = 4 92 92 में से माइनस कीजिए ये कितना है 6 8 14 माइनस कीजिए 92 - 14 78 लिखिएगा 78 दिस इज आंसर 78 हाँ जी कहां पे रजे नहीं वो एक है हम बी का बोल रहे हैं बी का ए का आएगा जी हाँ 1,02,000 ए का 1,02,000 उसमें से माइनस कीजिए सेम 14 माइनस कीजिएगा 88 डन दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर। ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बेसिक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट बन गया अपने आप में, बहुत अच्छा बन गया, लेंथी बन गया पूरा, यहाँ तक डाउट है पूछिए डन है। अब आ जाइए इसकी बैलेंस शीट फटाफट बनाइए, अब बनाइए इसकी, लो जी ये लो बैलेंस शीट ऑफ कीजिए, उसके नीचे एज एट बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज और देना जी, लो जी बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट उसके नीचे एज एट पेपर में जो डेट होगा दिस साइड आप क्या लिखेंगी एसेट रुपीज। तो जाते ही मेरा हमेशा फंडा क्या होता था तुमने बताया हुआ है अपना, जाते ही क्या लिखिएगा पहले तो कैपिटल ए और बी ऐसे करके आराम से लिखा, मैं आपको करता हूँ कैपिटल ए और बी, जो भी नया आया था ए का शायद मैं सीधा मेन कॉलम चलता हूँ, मैं इसको बाहर नहीं लिखता, ए का कितना आया था 88 और बी का कितना आया था 78 देख लीजिएगा पुरानी बैलेंस शीट से कम सीरीज टू बैलेंस सीरीज में अभी किया कैपिटल अकाउंट का, ए का 88 और बी का 78 पुराने क्वेश्चन से मैच भी कर लिया करो, ए और बी का बैलेंस तो हो गया सी वो तो चला गया, अब उसका सी का हमने काम किया था लोन बनाया था, तो लिखिएगा सी इज लोन, कितने का लोन था 60, कुछ पॉइंट नहीं है आपको बताता जाऊंगा सारा सेम तो नहीं होगा, देखो 10% चेंज मिलेगा, सी का लोन कितना 60 वहीं पे दिया हुआ था ठीक है, और वहां पे क्या दिया हुआ है क्रेडिटर आई थिंक सो कितने थे चेक करो, वैसे 25 थे 1,000 कम हो गए थे तो कितने आ जाएंगे 24, और क्या इसके वहां पे क्या पड़ा है वो बांट लिया हमने रिजर्व फंड बांट लिया, और कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं है, एसेट में आ जाइए फर्स्ट वर्ड बताओ एसेट की क्या है, फर्स्ट वर्ड पहले गुडविल राइट ऑफ हो गया, बोलिए करिए कैश कितना दिया हुआ चेक करिए आराम से लिखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो ब्रैकेट में दिखाइए 25,000 - 16 याद है जो सी को देख रहे हो आते हुए 25,000 - 16 ये थोड़े से पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे बेसिक है, वहां यार ऐड करते थे कैश में या माइनस करना है 25 - 16 कितने आएंगे 9,000 आगे चलिए अगला पॉइंट आपका फर्म कैसे देगा फर्म की नेक्स्ट पॉइंट क्या है अगला बोलिएगा स्टॉक तो आपको बताया था 48 हो गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है डेटर शो करने की जरूरत नहीं है अब डेट माइनस कर दीजिएगा कितने थे 50 पांच मर गए कितने आ जाएंगे 45 हाँ जी साहब पार्टनर अपनी कैपिटल से देंगे जी कैश नहीं देंगे अपनी कैपिटल एडजस्ट कर दिया आपकी कैपिटल में बढ़ा दिया हमारे कैपिटल से काट दिया वो कैश एंट्री नहीं होती कोई भी ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा डेटर्स के बाद कौन है मशीनरी बताया था मशीनरी वैसे 60 है पर कितनी कम हो गई थी 20% 12,000 कम हो गई थी तो कितनी आ जाएगी 48 एंड द नेक्स्ट वन इज द क्या है बिल्डिंग 80,000 की थी 20,000 बढ़ गई थी तो कितनी हो जाएगी 1,00,000 है ना तो लिखिए सिंपल पॉइंट है ये तो और लास्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस वो हमने राइट ऑफ कर दिया डन। अब टोटल लगा के देखो क्या आपका मैच करता है अपना टोटल करके देखिए क्या ये मैच करता है बोथ साइड्स देखिए और 24 2,50,000 रुपया आ रहा है जी इधर तो नहीं रे कैलकुलेशन चेक करो नहीं 250 आ रहा है दोनों सेम आ रहे हैं ऐसे ना करो यार पहली क्वेश्चन है 2,50,000 रुपए लगाइए टोटल प्रॉफिट
250,000 250,000 on both sides. आपको कोई डाउट लगा हो आपकी कॉपी पे हो गया बड़ा साफ नीट एंड क्लीन, तो दो पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग शायद देखने वाले हैं. एक गुडविल की एंट्री देख लीजिए दोबारा से, ये रहा आपके सामने पूरा वर्किंग. गेनिंग टू रिटायरिंग ए बी सी टू सी पक्का एंट्री है. कभी बी रिटायर होगा तो ए सी टू बी, ए रिटायर होगा तो बी सी टू ए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. रेशियो आपको पता होती है वैसे वहीं पे और एंट्री पास हो जाएगी. और एक मेन पॉइंट था ये, उसको कैश कुछ देने वाला, पहले आराम से चिल माइंड से उसको बाहर निकालो जो रिटर्न जाने वाला है, बाकी को तो सीढ़ी करना है, बाकी में तो कोई चक्कर है नहीं हमारा, इसलिए डे बाय डे लेवल बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब आइए इसका क्वेश्चन टू आप करेंगे, जल्दी शुरू करूँ. बिल्कुल आपके मतलब क्या, मैं थोड़ा बस हिंट दूंगा आपको साथ साथ में, साथ साथ मैं करूंगा आप उसे पहले करेंगे. पहले पढ़ लीजिए, ए बी सी पार्टनर है, कौन सी रेशियो, ध्यान से पढ़ो, नया नया पॉइंट लेकर आए आज. कैपिटल प्रपोर्शन, बच्चा कहता है ये क्या होता है, उनकी कैपिटल की रेशियो में चेक करो कैपिटल कितनी है, ध्यान से पढ़ो लास्ट में. 20-15-10 मतलब 20-15-10 क्या रेशियो बनी 4-3-2 लिखो, लिखो वहीं पे 4-3-2 कह रहा हूँ, पॉइंट नए नए मिलेंगे आपको पहले ही, फिर आप बुक से जब पढ़ेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा. 4-3-2 और एक कौन सी रेशियो है, थोड़ा और बोल दूं, ओल्ड मतलब ओल्ड होगी ना मार के तो. ठीक है, एसेट्स में पढ़िए क्या दिया हुआ है, नया पॉइंट है. कैश है, डेटर है, पीडीडी लेस स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, लास्ट में कौन बैठा है, कहां जाएगा, बोलिए जल्दी जल्दी. कैपिटल अकाउंट की पीडीएफ पे लिख लिया करो, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, वो भी क्या राइट ऑफ, पूरा आपको याद होना चाहिए अच्छे से, हम प्रैक्टिस लिए पढ़ रहे हैं, पूरे अच्छे नंबर आने चाहिए अपने. लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर, मेरा कोई काम नहीं, इधर कौन बैठा है, ये कौन मिल गया. रिजर्व ये क्या है, सेविंग्स मतलब पास्ट प्रॉफिट्स जब नहीं बांटे थे, आज बांट लीजिएगा. कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो सब जगह ही है. ठीक है, नीचे पढ़िए, कौन रिटायर हुआ, बी, गुड. आज एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी चीज मिलेगी, क्या, न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी. ओ भाई साहब ये क्या कर दिया, ओल्ड थी 4-3-2 कुछ और ही, न्यू है 5-3-8 बिल्कुल झटका दे दिया एकदम से क्वेश्चन में, कि मतलब गेनिंग रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट आप निकालेंगे. ठीक है, गुडविल वॉज वैल्यूड कितनी हुई, जल्दी बोलो, 7200. हमें किसका जश्न इतना शेयर चाहिए, बी का, बी का, बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर बताओ मुझे कितना, बी का शेयर 4-3-2 था, सेंटर वाला, सेंटर वाला 3/9 तो मुझे लगता है शायद 1/3 इसका करेंगे तो कितना जगह जश्न, 2400 रुपए, मतलब बी का शेयर फर्म की गुडविल में 2400 रुपए बनता है. तो ये बी को 2400 देगा कौन, ए और सी, कौन सी रेशो में, गेनिंग 5-3 तो न्यू है, 5-3 तो न्यू है, वो क्या हो गया 4-2, 4-3 ओल्ड है, गेनिंग निकालेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. हाँ इतनी जल्दी भी ना कहो, मैंने जल्दी कह दिया आपको. आगे ये पॉइंट से लेके दो पॉइंट काफी कट्ठे हैं, रिवैल्यूएशन मैं आपको बताता जाऊंगा. लास्ट पॉइंट, बी को कहते 3900 कैसे दे दो, कैश अभी 16 दे रहे थे, 39 दे देंगे, बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दो, लो कोई डाउट, सही शुरू करूं, गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे शुरू करते हैं. हेडिंग दीजिएगा गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नाम एबीसी था ना, वैसे एबीसी था पर हम किसका निकालेंगे, ए और, हाँ गलती ना कर देना हैबिट बन जाती है वो, सी रिटायर है, हर क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा. ए इज इक्वल टू, मुझे पहले ए का न्यू बड़े ध्यान से देख के बताइएगा, ए का न्यू 5/8 ऐसे लिखिए करो, सी का न्यू 3/8 आराम से लिखिए, 5/8 3/8 आराम से लिखिए पहले, ए का ओल्ड 4/9 और सी का ओल्ड 2/9. हाँ जी करिए, 8 और 9 का एलसीएम, दूध दर तक कुछ बनता नहीं तो 72 ले लेते हैं. तो मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी रेशियो है, बड़े ध्यान से करने वाली, समझने वाली, नई रेशियो लेकर आया हूँ, इक्वल से बिल्कुल हट गए, 5/8 - 4/9 3/8 - 2/9 एलसीएम लिया 8 और 9 का 72, 8 के टेबल पे 72, 9 9 5 = 45 आराम से लिखिए, माइनस 9 के टेबल पे 72, 8 8 4 = 32 माइनस करके आ गया 13/72 13/13 सबको समझा रहा है, 72. अगले में सेम 9 9 3 = 27 माइनस 8 2 = 16 11/72 सो गेनिंग रेशियो इज 13:11
सो गेनिंग रेशियो इज 13:11। हो सके तो मैं साथ के साथ काम भी कर देता हूँ, फिर लेट हो जाएंगे। जर्नल की एंट्री पास ही कर दो यार, क्या दिक्कत है, बाद में फिर करनी नहीं पड़ेगी। क्या एंट्री है? एज कैपिटल डेबिट लिख लीजिएगा, फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट है जी, ये नहीं भैया जी, हम तो नाम लिखेंगे ना जी, एज कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल, दोबारा लिख दूं, बी का शेयर कितना बनता था प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दीजिए। 7200 फर्म की गुडविल है, बी का शेयर 3/9, यू हैव टू सॉल्व इट, इट्स एट 2400, 2400 रुपए कर लीजिए आराम से, और ये बी को मिलेंगे 2400 रुपए। देगा कौन? बात हो गई ए और सी, कौन सी रेशो में? 13:11, अच्छा तक मैं सही हूँ, बड़ा सही बन रहा है, 13:11 कितने बनते हैं 24, बुरा सही आ गया, तो मतलब ए देगा 1300 रुपए, बी देगा 1100, 13:11 राइट ऑफ हो जाएगा। ध्यान से करिएगा, पूरा राउंड ऑफ क्वेश्चन बनाया हुआ है कि आपको मजा आए कि हाँ जी क्वेश्चन किया है कोई, देख लीजिए पूरा स्टेप देख लीजिए, गुडविल की एंट्री रेशियो सारे काम आपके कंप्लीट हो गए, रेशियो नहीं थी खुद करवाई, एंट्री भी साथ के साथ करवा दी, बच्चा अगर पूछता है जरूरी है नेसेसरी कोई नहीं, एंट्री या पोस्टिंग कर दीजिएगा, बट कर देंगे तो अच्छा लगेगा, नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है ना, ये चीज ये हो गया तो बताइए, डन, नीचे बनाइएगा रीवैल्यूएशन काम शुरू हो जाओ, आपका काम है रीवैल्यूएशन, थोड़ा ध्यान से करना। वही फॉर्मेट पर्टिकुलर रुपीस डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस डेबिट क्रेडिट, डन हो गया, शुरू करते हैं, बस अपने पॉइंट पे आ जाइए, अब बना लीजिए आराम से, शुरू हो जाइए। पॉइंट नंबर टू, स्टॉक नाम से बोल रहे भाई, रिड्यूस्ड कम हो गया 6% से, थोड़ा अजीब है, गलती मत करिएगा, 8000 का 6%, 8000 का बिल्कुल सही कह रहे हैं, 480, थोड़ी अजीब फिगर्स हैं बट ध्यान से करिएगा, 480 रुपए, 480। बिल्डिंग इंक्रीज बाय 20, बिल्डिंग है 25000, 25000 का 20%, 5000 कहां पे, क्रेडिट साइड, बाय बिल्डिंग पांच। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, कोई खर्चे हैं आउटस्टैंडिंग, यू हैव टू पे फॉर इट, तो कहां पे नुकसान हो गया, डेबिट साइड, तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 रुपए, 770। नेक्स्ट पॉइंट मेकअप पीडीडी, नया पॉइंट है अप टू 5%, बताया था जब भी परसेंटेज बोली जाए आप किसका करेंगी, 5000 का या 49 का, 5000 का ग्रॉस का, बिकॉज 100 इज ऑल्सो पीडीडी, वो कौन सा सर्टन है कि पैसे मर गए, अभी सोच रहे हैं, हमेशा परसेंटेज बोली जाए तो ग्रॉस का, 5000 का 5% करेंगी तो कितना होता है, 5000 का 5% 250, 250, यू ऑलरेडी हैव मेड, कितनी पीडीडी बना के बैठी है 100, और कितनी बनेगी 150, तो लिखिएगा 2 PDD 150, ब्रैकेट में दिखा सकती है ऐसे करके, 250 बननी थी, 100 ऑलरेडी हमारे पास है, और कितनी बन गई 150, क्योंकि उसने कहा था मेंटेन कीजिए अप टू 5, अप टू मतलब टोटल मुझे 5% चाहिए, पर ऑलरेडी 2% तो है ही है, 3% और चाहिए, दैट्स अ पॉइंट, इसके अलावा और कोई पॉइंट चाहिए, डन सर, लो जी अब चेक करिए सर, आप मुझे करके बताइए कौन सी साइड तो क्रेडिट ही है, कितने रुपए है क्रेडिट टोटल, 5, यहां पे भी 5, यहां पे 2, प्रॉफिट ए बी और सी, गड़बड़ नहीं चाहिए, ये बोल रहे हैं जी प्रॉफिट अपने को, चेक कर लीजिएगा, हाँ जी 3600 रुपए, 3600, और रेशियो बड़ी प्यारी है, 4, 3, 2 कितने होते हैं 9, 9 को 36 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड 400, 4 4 जा यहाँ पे इतना जाएगा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये भी ठीक बन गया, 1600 1200 800 1600 1200 और 800, देख लीजिए जरूरी होते हैं चीजें, ये मैंने रेशियो द्वारा फिर लिख दिया आपके डाउट के लिए, याद रहे 4 3 2 में बांटा है, 3600 रुपए को, ओल्ड सब कुछ ओल्ड में ही है वैसे, ठीक है, अगर हो गया हो तो बताइएगा। नेक्स्ट अपने आप ड्रॉ कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट बनाइएगा,
पर्टिकुलर्स एबीसी, फटाफट बनाइएगा पर्टिकुलर्स एबीसी। जल्दी बनाइए कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स एबीसी, बन गया। स्टार्टिंग आपको बेटर बताया कहां से जी? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बताइए कितना दिया था क्वेश्चन में? 25 बस, सॉरी 20 15 10 लिखिए फटाफट, रेशो चेंज है, इक्वल नहीं है, थोड़ा करना पड़ेगा। 20 15 और 10। नेक्स्ट आएगा रिजर्व्स, दिए हुए थे वहां पे, बाय रिजर्व बाय 2700 रुपए थे, 4329 बनता है, 9 के टेल पे 2700, 3 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब इजी हो जाएगा। सब वोल्ट जी, सब कुछ वोल्ट में जाएगा, आप हो जाइए बस। सब गुडविल गेनिंग में नई वाली मकसद ओल्ड डन, आ गया चाहिए। रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया, एसेट साइड पे एक लास्ट वर्ड बैठा है क्या? जाते ही राइट ऑफ करो, कहां पे बताया था? डेबिट साइड, टू गुडविल रिटन ऑफ कितने रुपए है? 1800, 432 में, मतलब 9 से डिवाइड करेंगे 200, 800, 600, 400 लिख लीजिए, 800 से 400। बाकी एसेट से मुझे याद आ गया री 1200 800, डन रहा 1600 1200 800। पॉइंट देख लीजिए, सारे पॉइंट हो गए, सिर्फ रह गया गुडविल और एक लास्ट। पहले गुडविल कर लेते हैं, गुडविल का क्या था? ये रहा कौन, ए और सी देंगे बी को, पहले इधर लिखो क्रेडिट साइड हमेशा, बाय ए बाय सी, गड़बड़ी चाहिए लिखो पहले, बाय ए बाय सी किसके कॉलम में, पहले समझा करो। मैं पहले बाकियों को खाली कर देता हूं ऐसे करके ना, ऐसे गलती नहीं होती, फिर का बच्चा में गुम जाता है। बाय ए बी को कितने देगा? 1300, सी कितने देगा? ऐसे ये कह रहा था मैं, इधर इनसे छीना भी जाएगा, टू बी लिख के, बी में तो आएगा नहीं, ए से 1300, सी से 1100, ऐसे समझो बात को, टू बी ए से 1300, सी से 1100, डन हो गया। अब आपको बताया था हमेशा पहले किसका हिसाब करो, बी का जो रिटायर हो रहा है, सी का, मतलब ये कह रहा हूँ ध्यान रखो ठीक है ना, अब टोटल लगवाओ। अगर सर मुझे याद हो गया, लो जी पहले बी का हिसाब करिए आराम से, टोटल लगाइए आराम से बनाना। बी का 15000 है, फिर 900 है, फिर 1200 है, फिर 2400 है, ध्यान से बताइएगा, 19500 यार, 2400 की गुडविल है, देखो थोड़ा शॉर्टकट, 1200 का रिजर्व 36, 900 का वो 45 और 15, 19500 टोटल लगाइए, 19500 यहाँ पे भी 19500, 19500 में वैसे और लेता हूँ, 600 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? आंसर दिख रहा है आपने 18900, रुक जाइएगा, पर मैंने लास्ट में क्या लिखा था कि उस बंदे को 3900, मैं रफली लिखूँ ऐसे यहाँ पे, दोनों लिखिएगा, ये लिख लिया करो आपकी वर्किंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं पेपर में। बैलेंस ऑफ बी 19500 है, माइनस 600 कर देंगे तो कितना जगह करन, 18900। आपने कहा इसमें से रिवा कितना कैश देना है? 39, तो बाकी लोन कितना जाएगा? 15। ऐसे करने में कोई शर्म नहीं अपने को, कारण कि पेपर में अगर नंबर बचते हैं तो ठीक है, गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को, कोई इससे नहीं टीचर को लगेगा क्या कर रहा है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी गलती ना हो बस, अपना क्या जाता है, बोल जाएंगे बच्चे को लिखते लिखते बोल जाते हैं 39 को मैं गलत माइनस ना कर दूं, क्या जाता है आपका 19500 माइनस 600 18900 माइनस कैश, उसने मुझे कहा 39 दीजिए, मैंने दे दिया, बाकी जो बचा डेफिनेटली ट्रांसफर टू द लोन। अब लिखना क्या था? डेबिट साइड आ जाइए, टू कैश बी में कहीं होना चले जाना, 3900 टू लोन साथ के साथ, बी में 15000, बाकी कॉलम खाली है ही थे, देखो ऐसे ऐसे ना गड़बड़ नहीं होती अगर पहले लिख के चले, तो मैं एंट्री में लिख के चलता हूँ, डन। अब लास्ट वालों का तो आपको बताया था क्या करना है, बस वो आपका काम है, फटाफट शुरू हो जाइए, सीडी तो आप ही कराएंगे, पहले सी का करा दीजिए, सी का 10600 प्लस 800 11400, 11400 टोटल है, 11400 में से माइनस कीजिए ये 400, 11 में से 1100 माइनस कीजिए 99, चेक करिए सी का, शायद चेक कर लेना मेरे अकॉर्डिंग रहना, चेक कर लेना 11400 में से 400 गए 11000, 11000 में से 1100 99, इधर आ जाइए 20000 है और ये 2800 है, 22800 22800 में से 800 माइनस कर दो, 22 20 700
20,700। कैलकुलेशन भी आपका मेन पार्ट है, थोड़ा जल्दी करने की हैबिट बनी। 20,700, 20,700, लास्ट पढ़ेगा तो 99। अब बनाइए बैलेंस शीट, अगर ये हो गया हो फटाफट बनाइए बैलेंस शीट। जाते ही आपको बताया था फर्स्ट वर्ड क्या लिखेगा, कैपिटल किसका, ए एंड सी, सीधा मेन कॉलम में आ जाइए। 20,700 और 99,100 साथ के साथ ही मुझे यहाँ याद आ जाता है क्या, बी का लोन टू नहीं आएगा जी, बैलेंस शीट है बस। बी का लोन, बीस लोन, बीस लोन कितना 15, ये तो याद रखिए पक्का, लोन है लाइबिलिटी है वैसे ही देना है। 20 लोन कितना 15, डन गया। नेक्स्ट आइए लाइबिलिटीज में देखो, क्रेडिटर पर हैं कितने की जल्दी बनेगा, 4200। मुझे लगता है क्रेडिटर का कोई पॉइंट, 4200 और वहां पे क्या था, रिजर्व बांट लिया, कैपिटल लिख लिया जैसे भी करके, और एक नीचे एडजस्टमेंट थी जो तो मुझे याद है वो थी आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, ये भी रखना पड़ेगा ना। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस की थी कितनी, 770 रुपए लिखिएगा, 770। एसेट में आ जाइए, पहला वर्ड क्या है, कैश, ध्यान दीजिएगा कितना था कैश, कितना था मतलब 5,500 आई थिंक, जो 1600 चेक करिएगा, 1600। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेटर शो करने पड़ेंगे जी दिस टाइम, क्योंकि पहले क्यों नहीं शो करे, वो बैड डेट्स ही हो गए थे, यहाँ शो करने पड़ेंगे ऐसे करके। 5,000 - 250, इट्स अ 4750, ध्यान दीजिएगा। डेटर्स माइनस पीडीडी, डेटर्स माइनस पीडीडी, 5,000 - 250 कितना 4750। नेक्स्ट लिएगा, अगला कौन है अपने पास, स्टॉक, ये शो करने की जरूरत नहीं, डेट माइनस कर दीजिएगा, 8,000 में से कितने 480, 8,000 में से 7520 जी, 7520। नेक्स्ट कौन है, मशीनरी, मुझे लगता है सेम है मशीनरी, सेम है कितना 6700। नेक्स्ट बिल्डिंग बढ़ गया था शायद, 25 थी 5 बढ़ गई 30 हो गई, और कुछ गुडविल तो हमने राइट ऑफ ही कर दिया, लो जी देखिए टोटल मैं करवा देता हूँ इधर का, 20,700 प्लस 99 प्लस 15,000 प्लस 4200 प्लस 7770 लगाइए टोटल 50,570। इधर चेक करें, 1600 रुपये प्लस 4750 प्लस 7520 प्लस 6700 प्लस 30,000, 50,570। देख लीजिए 50,570, कोई डाउट है तो बताइए जी मुझे जल्दी, आपने इस लेक्चर के ऊपर नाम दीजिए, लेक्चर बनता अपना ये कॉपी पे भी नहीं जी, 50,570, 570, 50570 दिखा रहा हूँ जी, हेडिंग दीजिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये देखिए वगैरह बैलेंस शीट का, ये रहा 50570, 1600, 4750, 7520, 6700 और 30,000, कोई जीरो में वर्क हो गया होगा, ठीक है। लो जी नेक्स्ट पीडीएफ ओपन कीजिए फटाफट, नेक्स्ट पीडीएफ ओपन कीजिए, लेक्चर नंबर 2 पे लिखिएगा फटाफट, लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट करिए ओपन जल्दी, लेक्चर नंबर 2 एबीसी पार्टनर है, रेशियो क्या दी जल्दी बोलो, 4:3:2, आपको काम आसान कर देता हूँ, गेनिंग रेशियो सेम है, आपका काम आसान कर दिया, गेनिंग रेशियो सेम है, नीचे बड़ी वाले एसेट्स में, बैंक है, आज बैंक है तो बैंक यूज करिएगा, कैश वर्ड मत बोलेगा फिर बैंक बोलेगा। डेटर स्टॉक लैंड बिल्डिंग चंदी, ठीक है, कोई राइट ऑफ करने वाली आइटम नहीं है। क्रेडिटर ओ, यहाँ बांटने वाली दो हो गई, कितनी, रिजर्व और प्रॉफिट, फिर क्या हो गया, अब प्रॉफिट है इधर, गलती मत करना, मतलब ये दोनों कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड, ओल्ड रेशियो, कैपिटल तो है, न्यू रेशियो खुद ही बोल गया ए एंड सी, मतलब डायर कौन है वही बी, आपने किया क्वेश्चन उसी तरह से द्वारा प्रैक्टिस लिया, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक सब पॉइंट्स कौन से हैं आपके, रीवैल्यूएशन थोड़ा सा बेसिक्स मैंने वैसे रखा, गुडविल फर्म की कितनी दी हुई है 72,000, वहां 7200 थी, और रिटायर कौन हो रहा है बी, शेयर तो वही आएगा 3/9, बस यहाँ चेंज हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, वहां कितना था 2400, रेशो भी यहाँ पे गेनिंग की आने वाली है, आपका काम फायदा करता हूँ 13:11, तो मतलब बी को देगा कौन, सिंपल बता दिया ए और सी,
ए और सी, तो 13-11 ही है, तो 13,000 और ये तो आपका फायदा हो गया, ठीक है। बी वॉज टू बी पेड 3,200 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज क्या लोन अकाउंट। लो जी फटाफट बनाइए, आप सीधा लिखिएगा रेशियो, लेक्चर टू नाम दीजिए, लेक्चर नंबर टू, गेनिंग रेशियो सीधा लिख रहा हूं, ऐसे देखो 13:11 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, या लिख सकते हैं एज सॉल्व इन प्रीवियस क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, सॉल्व इन प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन डन, और एंट्री भी पास कर देते हैं आपको, वैसे कर रखिए, दोबारा कर देता हूं हेडिंग देखिए क्या लिखिएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, 13,000, 11,000, 24,000 कर दिया काम, कैसे नीचे भी दिखा दो चाहिए, बी शेयर इक्वल टू 72,000 फर्म की है, बी का शेयर 3/9 कितना बनता है 24, देगा कौन ए और सी, दोबारा रखिएगा कौन से रेशो में, गेनिंग, गेनिंग क्या थी आपकी 13-11, बोलिए डन, अगर इतना कर लिया हो नेक्स्ट फटाफट शुरू हो जाइए अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, खुद बनाइए फिर मुझे बताइए क्या आपका आंसर प्रॉफिट आता है, बनाइए जल्दी, चाहे सिंपल टी शेप, यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, डन है, रीवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट, बनाइए शुरू करिए पॉइंट नंबर 1 से, ये मेरी पीडीएफ 1 तो हो गई, पीडीएफ 2 में हम लोग टू रेज द पीडीडी मिल गया अप टू 5, फिर सेम अप टू 5 किसका करेंगे, निष्का 25,000 का रजे 25 हमेशा ग्रॉस का द्वारा, जब भी पीडीडी बोला जाए ऑलवेज ऑफ ग्रॉस डेटर, क्योंकि ये भी कौन सा मरे हैं अभी, ये तो आवश्यक है, सोच रहे हैं 500 मरेंगे, फिर सोचने में क्या जाता है, 25,000 का कितना बोल रही मुझे 5, आई थिंक 1,250 और 500 ही ऑलरेडी है, तो नेट कितना बनेगा 750, तो लिखिए 2 PDD 750, ये करा करो ऐसे, ये देखो ब्रैकेट में दिखाया करो, आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है, 1,250 माइनस 500 क्लियर रहता है, फिर डन। अगला पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 15%, 1,20,000 की है ध्यान दीजिएगा, 1,20,000 का 15% 18,000, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 18,000। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रोविजन ऑफ 650 इज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग, अभी कर कराओ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 650 रुपए, अभी करें हमने 650, स्टॉक रिड्यूस्ड टू बताया हुआ है, इतने तक कम हो गया, ऊपर स्टॉक कितना जल्दी बोलेगा 36, तो 32 तक कम हो गया, तो कितना कम हो गया 4, टू स्टॉक 4,000, वर्डिंग का जो है बस ध्यान दीजिएगा, और मुझे लगता है पॉइंट नहीं है, लॉजिक करिए साहब, राइट साइड ही बड़ी है 18,000 में से माइनस कीजिए, ये कितने हुए, ये सारा बोल रहे हो आप 7,500 माइनस करना है 18,000 54, 12,600 आ रहा है, 12,600 कह रहे हैं, तो टू प्रॉफिट देखिए राउंड ऊपर है आना, तो चाहिए 12,600 को कौन सी रेशियो बताई थी मैंने आपको 4,3,2,9 पे, आई थिंक 1,400 रुपए पर हेड आएगा शायद, 12,600 / 9, हाँ जी 12,600 / 9 करता हूं तो 1,400 पर हेड, तो 14,4 कितना होएगा 56, 14,3 = 42, 14,2 = 28 लिख लीजिए, कोशिश तो रहती है कि राउंड ऑफ ही हो, जैसे आया पेपर में भी, इससे भी ज्यादा राउंड ऑफ मिल सकता है पेपर में, दोबारा लिखिएगा टू प्रॉफिट ए का 5,600, टू प्रॉफिट बी का 4,200 और सी का 2,800, डन, रिवैल्यूएशन एंट्री गेनिंग सब हो गया, बनाइए कैपिटल अकाउंट फटाफट, कैपिटल अकाउंट
पर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स बन गया जी। डन स्टार्ट कीजिएगा। मैं सीधा बाय बैलेंस बीडी लिख रहा हूँ, आप बाय बैलेंस लिख सकते हैं बीडी कितने रुपए है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अजीब होगा। हाँ थोड़ा फिगर्स अजीब हैं, गलती मत करिएगा। 87,800 मैं सासा आपको कैलकुलेशन करके दे दूंगा। बी का 66,000 और लास्ट का 43,800 जो दिया हुआ है, जैसा दिया मैंने आपको तभी रखा। तो कुछ क्वेश्चन आपको बुक के अकॉर्डिंग भी कराने पड़ते हैं, अगर ऐसे आप ही जाएं तो घुराना नहीं, लास्ट में जाकर राउंड ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर का कोई रोल नहीं, रिजर्व और प्रॉफिट अपने पार्ट में है। रिजर्व प्रॉफिट रिजर्व कितना दिया हुआ, रिजर्व बड़ा अच्छा दिया हुआ है 9,000 को 432 में, बड़ा अच्छा आएगा 4,000 3,000 2,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ वहीं पे, कितना 18, ये भी बड़ा राउंड ऑफ है। डबल कर दीजिए, 9 का 4 का डबल 8, 3 का 6, 2 का 4, क्या डाउट था, सिंपल। एसेट साइड चेक करिए, कुछ था मेरे साथ, कुछ नहीं है। डन एसेट साइड कुछ नहीं है, तो पहले रीवैल्यूएशन करते, फिर बाय रीवैल्यूएशन कितना था पहले का 56,42 और 2,800, सही चल रहा है। नेक्स्ट रिवेल्यूशन हो गया, गुडविल कर देते हैं बाय, अब तो याद ही हो गया अपने को, बाय ए बाय सी, इसको देना है पहले कर लिया करो ऐसे, फिर ना गड़बड़ नहीं होती। बी को देना है, ए ने कितना देना है 13,000 और सी ने कितना देना है 11,000, इनसे छीना जाएगा टू बी बोल के। ए से कितना 13, सी से कितना 11, याद रखिएगा, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अपने से। बी में नहीं आएगा, हाँ बी में नहीं आएगा, चेक कर लिया, हाँ खाली कर दिया करो पहले स्लैश की, गलती ना हो आपसे। इसके अलावा तो लास्ट स्टेप रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, बस 3,200 रुपए कैश, वो तो पढ़ के पता चलेगा कि कैसे देना है, क्या सिस्टम है, बाकी का लोन कर दो। चलो जी पढ़िए फिर देखते हैं, पहले बी का हिसाब करते हैं जी। टोटलिंग की तैयारी कर लीजिए, पहले बी का अकाउंट टोटल में आपको वैसे राउंड ऑफ है 66,000 है प्लस 3,000 है प्लस 6,000 है प्लस 4,200 है प्लस कट्ठी कर दो 24 लगाइए टोटल 1,03,200 103,200 इसे बेटर टोटल नहीं हो सकता वैसे 1,03,200 भाई साहब इसलिए क्या दिया राउंड ऑफ कर दो ऊपर के 3,200 रुपए क्या दे दो कैश बाकी क्या कर दो 1,00,000 रुपए का लोन और इसे बेटर नहीं हो सकता जब हम लास्ट में करते हैं तो टू कैश मत बोलिएगा क्वेश्चन में किसको बैंक है तो बैंक 3,200 रुपए और टू लोन 1,00,000 रुपए डन सर 3,200 कैश क्या चीज हो गया बोले डाउट क्या है राजू एक ही चीज है कैश मीन अभी बिलिंग जब मैं पेमेंट कैश कर दीजिए क्या जाए ऑनलाइन बैंक एक ही बात है और प्लस वन में चक्कर होता था आपका कैश और बैंक का आपके पास फॉर्म में क्या पड़ा है बैंक तो बैंक ही देंगे ना तो कहने की बात है पेमेंट कैश कर दीजिए कैश नॉट मीन्स दैट आप सोच रहे हैं कुछ कैश का फर्क है नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने पहले बोल दिया टू बैंक 3,200 रुपए टू लोन 1,00,000 रुपए ये भाई साहब चले गए अपने घर अब क्यों करें तो सी का आ जाइए पहले 43 कितना था 800 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 2,800 टोटल लगाइए 52,600 टोटल है ये टोटल है 52 कितना 600 माइनस उसमें से करिए 11,000 तो ये आ जाएगा 41,600 लिखिए 41,600 इज योर बैलेंस ऑफ सी 41,600 लास्ट का ये 87 क्या था ये का 800 प्लस 4,000 फिर 1,05,400 105,400 माइनस कितना करेंगे 13,000 92,400 गुड 92,400 बताइए डाउट आपके सामने क्वेश्चन वही थोड़ा सा प्रैक्टिस है जितनी ज्यादा हो जाएगी उतनी हमारी बेटर ठीक है लास्ट रहेगा बैलेंस शीट लास्ट है बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज
बताइए जी पहला वर्ड कैपिटल किस किसका था? एक का था 92 शायद 400, उसका क्या था? बी का लोन 1 लाख था। कोई क्रेडिटर वगैरह चेक करिए, सेम है जी, क्रेडिटर बेचारे वही बैठे हैं, क्रेडिटर 14,400 और एक था आउटस्टैंडिंग चार्ज 650 शायद, क्या करूँ बताना, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 650, डन। और कुछ नहीं है लायबिलिटी साइड, बस यही वर्ड्स थे, देख लीजिए। कैपिटल है ए और सी की, लोन है 1 लाख का, क्रेडिटर्स हैं सेम 14,400, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 650। इधर बताइए पहली असर का क्या नाम है, कितने रुपए? नहीं आपने पढ़ा कितना पास? अच्छा 21,000 पड़े, माइनस आपने कितना पे कर दिया? 3,500 रुपए। कितना करें जश्न आप? 17,800 सही है जी, 17,800 समझी बात, जो कैश पे कर दिया माइनस ना करते तो फिर लोन आ जाता सारा, यहाँ कैश माइनस ना होता, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा डेटर्स, ये आपको शो करना पड़ेगा 25,000 माइनस 1,250। हाँ अच्छा बैलेंस बोल रहे हो, मैं यहाँ पे हो गया जी 500, 750 तो वैसे नया बनता है ना, 500 पुराना है, तो 25,000 माइनस करके ये कह रहे हैं जी 23,750, 23,750। नेक्स्ट स्टेप है नाम लिख लूं, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक था आपका हाँ जी 32 का, आई थिंक सो मशीनरी का कोई पॉइंट ही नहीं है, कितनी मशीनरी 37,500 और बिल्डिंग 120 की थी, 18,000 बढ़ गई थी तो 138, चेक करते हैं जी 92,400 है प्लस 41,600 है प्लस 1,00,000 रुपए है प्लस 14,400 प्लस 650 कितना करें आप? 249,050, चेक कराता हूँ आपको 249, 17,800 प्लस 23,750 प्लस 32,000 प्लस 37,500 प्लस 138, 249,050 दोनों तरफ लगा दीजिएगा टोटल 249,050। कोई डाउट है तो बताइए सर, मेरी तरफ से आज का लेक्चर एक बार के लिए ओवर है, 3 क्वेश्चन तो आगे दो कर आपने हेल्प करा, 3 हो गए, उससे बेनिफिट क्या होगा ये समझ लीजिए, अगली क्लास में कल ही तभी रखा, आज का क्लास का मेन लेक्चर इंपॉर्टेंट रहा, सफल रहा, ये क्वेश्चन आते ही खत्म हो जाएगा, वैसे बड़ा छोटा है अगर घर पे भी करेंगे तो आई थिंक पहली बार में हो जाएगा। अगली पीडीएफ से आपका नया कंसेप्ट स्टार्ट कर दूंगा, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो ने वहां पे भी किया हुआ था, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 PDF एक साथ चलेंगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके अंदर वाले एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, मेरे हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल है, थोड़ी सी बुक लैंग्वेज कि आपको पता चले बुक में क्या चीज होती है, तो मेरे खुद के है ना सिंपल सिंपल से, बट है सिंपल सिंपल बना के आपको ये पता चला अभी तो हैंड्स ऑन हुए, रिटायरमेंट में होता क्या, आज क्या ये कहेंगे सर मुझे तो सेम सेम ही लग रहा है, बस वहां उल्टा कर दिया, या बस कैश देना है कुछ, फिर लोन है, गेनिंग रेशियो है, रिवैल्यूएशन सेम, कैपिटल के अदर आइटम में सब ओल्ड रेशियो सेम, बैलेंस शीट सेम, क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा जी।